षड्विंशोऽध्याय सुत उवाच इत्युक्ता वासुदेवापि सत्यभामा पतिप्रियां सायं संध्या दिव्यकर्ता जगाम जननी गृहम्। सकल तपोवंत कार्तिक महिमाए मंत श्रीकृष्ण मुखु सत्या शुणी आनंद मने ठाकुराणी पति चरण शिर दे उठी छामुरे कुभा होई सिरे निवेशी बेनी पाणी बोलती शुण गुण शेष महिमा शुणिल भी सुख सीमा केवल मागुअछि एते सदा सुदया थिब मोते कार्तिक व्रत धर्म फल केबे हे नहिब विफल एही सुदया मोते थाउ कृष्ण बोइले अस्तु हे मंत आज्ञा देई हरी सत्य भामांक कर धरी निज भुवने विजे कले प्राणी की सदगति देले वचने पुण्य श्लोक कहिले सुत पौराणिक हे मुनि माने तुम्भे सुण कार्तिक व्रते जेते गुण सकल व्रत मध्य सार भवन दिकि कर्ण धार जे हा मने ज्ञान धरी कार्तिके दीपदाने तुलसी मूले उद्यापने ए चारि भावरे जे भजे इसीते चतुर्वर्ग भुंजे हे वाक्य शुणी मुनि माने पुछन्ति सुत सन्निधाने हे सुत लोक हरसाणी संसार पुण्य फल कार्तिक धर्म कले मूल जे जन कार्तिक न करी से जन संसारु न तरी। हेमंत कहिल जे तुम्भे एथकु पचारुछु आम्भे जे बण प्राणी ए महिमा शुणि नथिब श्रुति सीमा से पुणि साधु मुखु शुणि एते कारण बोली जाणी व्याध बन्धक बिहि बसे अथवा थिब परबासे कार्तिक व्रत आगमने संकल्प करी आवाहने विष्णु प्रीतिरे व्रत करी भवसागरु जीवे तरी हेमंत कल्पी प्राणी चित्ते विचार करुथिब नीते से पुणी कार्तिक निकटे कियवा पूजिब संकटे राज्य दुर्भिक्ष ज्ञाति भ्रष्टे किबा बांधव जल कष्टे पर आयते पड़िथिब कियो बापे ना सजीव
ते विघ्न अनायते से प्राणी तरीब के मंते केथकु कह प्रतिकार तुम्हे सर्वज्ञ बुद्धिवर हे मंत मुनि वचने सुत कहन्ति सावधाने हे पुण्य आत्मा माने शुण जे पद्म पुराणे प्रमाण उत्तर खंडे जहा मानी कही अछन्ति पद्म जोनी से धर्म कार्तिक कृत्य रे जे बण जन बांछा करे तार शरीर पाप जेते बाहर हुई तुरीते संगते बाम पासे थाई कार्तिक अंते क्षय जाई जदि कार्तिक अप्रवेशे प्राणी निधन आयु से लभे देवंक स्वरूप तातुले न रहई पाप जेबे जीवने बर्ती थाई कार्तिक आद्य विघ्न होई प्रकारे तप माने दृह प्रवासे कि बाबने हेमंत हेले अकर्तव्य केबे हे व्रत न छाड़ीब जे अकर्तव्य व्रताचारी ता धर्म कहिले न सरी किंचित कले पूजा विधि सहस्र गुण रे प्रसिद्धि विशेष हरिहर आल कार्तिक कृत्य महाफल एबे नि फल जहि तहि अन्न देवंकु भजि तहि जेबे नथिबे देव पाळे ग्रामे तुलसी वृक्ष मूळे तुलसी जदि न देखिब धात्री वृक्ष को आराधिब जहाँ चिकण न मिली पर जगार प्रतिपाई अद्रव्य उद्यापन विधि विप्रवचने फल सिद्धि विप्र वैष्णव जेते देखी विष्णु दर्शन तुले लेखी यद्यपि सुस्थान न पाई बट अश्वत्थ मूले जाई करिब कार्तिक विधान तेबे होइब महापुण्य हविष अन्न करि भोग आमिष द्रव्य परित्याग हेमंत अकर्तव्य काले कार्तिक व्रत जे बापाले किंचित आराधना कले कार्तिक धर्म पाई भले अपार शस्रे गोरु दान फल लभई दुखी जान विष्णु श्री मुखे आज्ञा अछि एते संशय नाही किछि कहई महादेव दास कार्तिक व्रते मोर आस इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कार्तिक व्रत विहित कर्म कथन नाम षड्विंशोऽध्यायः।